घड़ी बीरबल बस स्टैंड पर स्कूली विद्यार्थियों ने आज बसों को रोककर अपना रोष प्रकट किया। मंत्री करणदेव के आश्वासन के बाद छात्रों ने बसों को जाने दिया। गौरतलब है कि घड़ी बीरबल करनाल मार्ग पर बसों के समय ठीक न होने के कारण इस मार्ग से आने जाने वाले छात्रों द्वारा इससे पहले भी कई बार बसों को रोका गया है। बार बार रोडवेज विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी इन बसों के समय सारणी को ठीक नहीं किया जा सका, जिससे खफा होकर आज भी छात्रों को बसों को रोकना पड़ा। आज इसी मार्ग से गुजर रहे खाद्य आपूर्ति मामले मंत्री करणदेव काम्बोज ने इस समस्या को सुना और तुरंत परिवहन विभाग के GM को फोन कर पूरी जानकारी ली और आदेश दिए कि इस रूट पर चलने वाली बसों के समय को ठीक किया जाए। इसके बाद मंत्री जी द्वारा कार्रवाई की जाने के आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया गया। जो कर्मचारी है उनकी वजह से जो 5 बसें हमारे करनाल से गड़ी बीरबल रोड पर चलती है उनके टाइम को लेकर के आज कुछ बच्चों ने इकट्ठे होकर के जाम लगाया था और वो बच्चों की बात जो है ना बिल्कुल व्यावहारिक थी। कुछ रोडवेज के कर्मचारी जानबूझ करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करते हैं, तो आज मैंने उसी समय अधिकारियों से बात करके कहा भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करके और आज उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और जो रूट पर चलने वाली बसें हैं उनका ठीक प्रकार से शेड्यूल वो लोगों के सुविधा के लिए वो ठीक प्रकार से चले, तो उसके लिए जो है ना उनका शेड्यूल उसका जो टाइम टेबल है मैंने वो भी आदेश कर दिया है कि गड़ी बीरबल बस स्टैंड स्टॉपेज के ऊपर भी जो है ना उसका बिल्कुल जो है ना वो वहाँ उस पर लगाएं ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सी बस किस समय आने वाली है, तो सारे के सारे जो है ना वहाँ उसके ऊपर डिस्प्ले कर देंगे तो लोगों को पता होगा कि हमारी बस किस समय आएगी और किस समय हमारे यहाँ से हमने जाना चाहिए। करनाल से मेनपाल की रिपोर्ट। समय समय पर ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।